Hello, students. In this lecture, we will see the definitions associated with graph. So, the definition is planar graph. A graph drawn on a two dimensional plane is said to be planar if two branches do not intersect. Achha, like dekho? Do not intersect or cross at a point which is other than a node. Achha, सपोज ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं सो so इसमें कोई भी दो ब्रांचेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं अदर देन दी नोट इवन इफ यू टॉक अबाउट दिस सेकेंड ग्राफ द ब्रांचेस आर इंटरसेक्टिंग ओनली एट अ नोड टू ईच अदर दैट मीन्स ये हो गया आपका प्लेनर ग्राफ इसके बाद इसका अपोजिट आता है आपका नॉन प्लेनर ग्राफ ना वॉट डून बाय नॉन प्लेनर ग्राफ अ ग्राफ ड्रॉन ऑन टू डायमेंशनल प्लेन अच्छा हमेशा ये दोनों ग्राफ जो है अगर प्लेनर और नॉन प्लेनर आपको डिफाइन करने का तो ये फ्रेज तो आना चाहिए कि टू डायमेंशनल प्लेन इट्स सेट टू बी नॉन प्लेनर इफ देर इज इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांचेस एट अनदर पॉइंट विच इज नॉट अ नोड मतलब दो ब्रांचेस एक दूसरे को कट कर रहे हैं अदर देन नोड देन इट इज नोन एज नॉन प्लेनर ग्राफ तो ये देखो ये एग्जाम्पल में देखो

टू थ्री जाने वाला जो ब्रांच नंबर सिक्स है ये मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और इससे क्या हो जाएगा ये ग्राफ प्लेनर हो जाएगा ऐसा नहीं होता है कभी भी आपको जो ब्रांच बनाने का रहता है इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीज टू नोड्स। आप ये ऐसे मल्टीपल लाइंस लेके नहीं बना सकते सो ध्यान में रखिए ओके सो नॉन प्लेनर में क्या होता है यू कान ड्रॉ द बेसिकली द ग्राफ इन टू डायमेंशनल प्लेन विदाउट शोइंग इंटरसेक्शन एट अ नोड नेक्स्ट वन इज सब क्राफ्ट

One, two, three, four. ये अगर चार नोड मैंने सिलेक्ट कर दिए, लेक्ट ब्रांचेस अकॉर्डिंगली ब्रांचेस मैंने सिलेक्ट किए, तो ये क्या हो गया ये सब ग्राफ हो गया इवन अगर मैं खाली ब्रांच नंबर टू सिलेक्ट करता हूँ विच इज बिटवीन नोड वन एंड थ्री तो ये भी क्या हो जाएगा सब ग्राफ हो जाएगा नेक्स्ट वन कनेक्टेड ग्राफ ये टर्म क्या है बोलता है ग्राफ इज सेट टू बी कनेक्टेड Connected graph huh? if there exists a path between any pair of nodes. So, graph first example later, you select any two nodes. Let's say you have selected this node and this node. Is there a path between these two nodes? Yes, there is a path between these two nodes. So, similarly, you can select the other pair or all the pairs, and you have to check whether there exists a path or not. Then that is known as connected graph.

पेयर ऑफ नोट सिलेक्ट करते हैं नाउ टू नोट नॉट कनेक्टेड टूच अदर तो ये क्या हो गया ये हो गया आपका डिसकनेक्टेडरलीवर हिस्सर नोट नोड की जगह पे उधर वो थिक डॉट किया रहता है सो तो ये नोड नहीं है ओके okay? सो so, ये हो गया आपके डिसकनेक्टेड ग्राफ नेक्स्ट टर्म है आपका रैंक ऑफ अ ग्राफ सो वो कैसे डिफाइन किया जाता है अगर कोई भी ग्राफ में एन नंबर ऑफ नोट है देन रैंक ऑफ ग्राफ इज एन माइनस वन जैसे मैट्रिक्स रहता है मैट्रिक्स में भी आप रैंक डिफाइन करते हैं मैं जस्ट ऐसे ही मैथमेटिक्स का टर्म बोल रहा हूँ मैट्रिक्स so, में क्या रहता है यू गो ऑन रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स टू एशियलान फॉर्म एशियलान फॉर्म क्या है यूनिटरी so, फॉर्म वाला जो रहता है ना इधर में मेजर एलिमेंट्स रहते हैं उसको आप यूनिटी करते जाइए और बाकी सब एलिमेंट्स आप जीरो 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 करते जाइए एंड देन यू चेक वाइल डूइंग दिस रो एलिमेंट्री ऑपरेशन हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर देयर दैट इज नथिंग बट अ रैंक ऑफ अ तो ये तो मैंने मैथ्स के टर्म्स में डिफाइन कर दिया है इधर कैप बोला है उन्होंने चार नोड है तो उसमें से एक नोड को मुझे करके लेना पड़ेगा इसके लिए शायद उन्होंने ये डिफाइन किया है कि रैंक ऑफ इज एन माइनस वन नेक्स्ट वन है लूप और सर्किट सो लूप मतलब क्या रहेगा बेसिकली क्लोज पाथ तो इधर लूप कैसे डिफाइन किया है सो इट इज अ कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ लूप इज अ कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ अभी सबग्राफ लिया है तो ये सब ग्राफ में क्या और होना चाहिए सो यू सिलेक्ट एनी टू नोट एंड यू चेक वेदर देयर एग्जिस्ट अ क्लोज पाथ बिट्वीन दिस टू नोट और नॉट ये आपको चेक करने का है ओके सिंपल लैंग्वेज वॉट यूर टू डू इफ यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नोट नंबर टू कैन यू कम बैक अगेन एट द नोड नंबर टू ये क्या हो गया ये आपका लूप हो गया और लूप में इधर क्या लिखे हैं ये ब्रांच नंबर लिखे गए हैं सिमिलरली इफ यू टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर दिस इज अ सब ग्राफ ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ हां तो 1 से 2 आप जा रहे हैं एंड देन अगेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम 2 टू 1 वही पाथ नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो so, ये आपका क्या हो गया है ये भी आपका सब ग्राफ हो गया है नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ग्राफ में ट्री हम लोग बहुत बार ये यूज करेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं कि ग्राफ दिया जाएगा और आपको बोलेंगे हाउ मेनी ट्रीज आर पॉसिबल सो विदाउट ड्रॉइंग एक्चुअली नंबर ऑफ ट्रीज यू शुड बी एबल टू डिराइव वो हम लोग तो बाद में देखेंगे बट अभी ट्री में क्या बोलते हैं ट्री इज अ सेट ऑफ ब्रांचेस विद एवरी नोड कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड अच्छा मतलब ट्री बनाने के लिए आपको सब नोड तो कंसीडर करने पड़ेंगे लेट्स से ये ग्राफ दिया है और ग्राफ से आपको ट्री बनाने का है So, आपको पहले इसमें चार नोड है सो ये चार नोड तो इसमें होने ही चाहिए फिर उन्होंने क्या बोला है वे फिर से रीड करता हूँ ट्री सेट ऑफ ब्रांचेस विद एवरी नोड कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन सच अ वे दैट रिमूवल ऑफ एनी ब्रांच डिस्ट्रॉय दिस प्रॉपर्टी अच्छा ये एक हो गया और दूसरा क्या किया है ये नोड में कोई भी लूप नहीं होना चाहिए मीन्स लेट से अगर मैं वन टू थ्री और फोर ये अगर मैं सब ग्राफ सिलेक्ट करता हूं वन ब्रांच नंबर चेक करो क्या कोई भी एक नोड जो आप सिलेक्ट करोगे क्या वो कोई दूसरे एक नोड को कनेक्टेड है क्या यस यू सिलेक्ट एनी नोड इट इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अनदर नोड तो ये तो हो गया और दूसरा क्या है इसमें लूप नहीं है क्या और भी पॉसिबल ट्रीज है ये ग्राफ के यस yes. तो वो आप क्या चेक कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं यस सो ये लेट से और एक ट्री में बनाता हूँ वन टू थ्री फोर चार नोड तो उसमें होना ही चाहिए अभी ब्रांचेस सिलेक्ट करते समय ये अगर सपोज मैंने ऐसे सिलेक्ट किए ब्रांच नंबर वन टू और फोर तो ये ट्री हो गया यस बट इफ आई सिलेक्ट वन मोर ब्रांच ओवर हियर लेट से ब्रांच नंबर थ्री मैं अगर इसमें सिलेक्ट और एक ऐड कर देता हूँ तो ये कौन सा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करता है तो ये प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रॉय कर देता है ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है क्यों वो क्या बोल रहा है कि लूप नहीं होना चाहिए अगर ये भी मैं इधर कंसिडर करता हूं ट्री बनाने में तो क्या हो जाएगा ये देखो ये क्लोज लूप बन गया अगर क्लोज लूप आ जाता है तो वो ट्री नहीं होता है वन मोर टर्म इज देयर दैट ब्रांचेस ऑफ ट्री आर कॉल्ड एज ट्वी ट्विक्स बोलते हैं किसको ये जो ब्रांचेस है ये अभी इसमें मुझे पहले ये थर्ड ब्रांच जो है वो मुझे पहले रिमूव करना पड़ेगा ओके ब्रांच नंबर वन टू तो और फोर अगर है तो ये तो पहले ट्री हो गया है ओके इधर नोड नंबर फोर है द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री इज नोन एज ट्विक्स सो ट्विक्स कौन से कौन से है इसमें तो ट्विक्स में ब्रांच नंबर लिखे जाते हैं तो ब्रांच नंबर कौन से हैं 1, 2, 4 तो ये हो गए मेरे ट्विग ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर कॉल्ड एज ट्विग और ये जो ट्विक्स रहते हैं हमेशा थिक लाइन से दिखाए जाते हैं ये थिक लाइन मतलब आप बोल सकते हैं सॉलिड लाइन से दिखाए जाते हैं थिक लाइन देन मैं देन में रखने के लिए बोला है टीटी -टी है इसके लिए मैंने बोला ट्विक्स जो है वो आपको थिक लाइन से दिखाने के है थी लाइन मतलब सॉलिड लाइन होना चाहिए तो क्या और कोई डैश लाइन से दिखाया जाता है हाँ वो कौन से रहते हैं वो हम लोग बाद में देखते हैं क्या और कोई पॉसिबल ट्री है यस तो ऐसे कितने सारे पॉसिबल ट्रीज है तो ये आपको डिराइव करने को आना चाहिए या फिर अगर ग्राफ बहुत ही छोटा है कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो आप एक्चुअल में ड्रॉ करके देख सकते हैं और थ्री कंटेंस एन माइनस वन ट्रिक्स वेर एन इज नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ इन द ओरिजिनल ग्राफ देयर आर फोर नोड्स सो एन इज इक्वल टू फोर बट वेन यू आर ड्रॉइंग द ट्री कितने उसमें ब्रांचेस आ गए है तो तीन ही ब्रांच आ गए है सो ट्री कंटेंट एन माइनस वन ट्री ट्रीज है फॉलोइंग प्रॉपर्टी फर्स्ट देर एक्सिस्ट ओनली वन पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोट इन अ ट्री तो एक मैं इधर बना देता हूं ट्री और हम लोग ये सब प्रॉपर्टी जो है वो चेक कर देते है सो वन टू थ्री ये नोट नंबर है और फोर्थ नोट इधर है और मैंने ये ट्री सिलेक्ट किया है जिसके ट्वीट है ब्रांच नंबर वन

आ एन माइनस वन हो गया है ट्रीज नॉट कंटेन एनी लूप इसमें कोई भी लूप नहीं है एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज एट लीस्ट वन ट्री तो ये चेक करने के लिए आप कोई भी ग्राफ सिलेक्ट कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि उसमें एटलीस्ट एक ट्री तो रहेगा एंड लास्ट प्रॉपर्टी द मिनिमम टर्मिनल नोड्स इन अ ट्री आर टू नहीं तो वो ग्राफ ही नहीं होगा ना एक ही नोड है तो उससे क्या हो आप ये ऐसे खाली ब्रांचेस नहीं बना सकते एटलीस्ट दो तो नोड होना ही चाहिए सो मिनिमम टर्मिनल नोड इन ट्री आर टू नेक्स्ट हम उन्होंने दिया है को ट्री को को स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा है सो so, इसको हम लोग जैसे कि डिजिटल लॉजिक में बोलते हैं ए है और इधर अपनी ए डैश कहते हैं ये अगर लॉजिक वन है तो ये हो जाता है लॉजिक जीरो तो को ट्री ट्री का कॉम्प्लीमेंट को उन्होंने बोला है को ट्री सो so, अगर ये ग्राफ है ये ट्री है तो कोट्री कौन होगा तो कोट्री होगा इसका कॉम्प्लीमेंट तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे बना सकते हैं so सो हम लोग को ये जो नोड्स है वो दिखा देते हैं वन टू थ्री फोर ये नोट मैंने दिखा दिए है और कोट्री बनाने का है सो ब्रांच नंबर सिक्स आ जाएगा इसमें क्योंकि ब्रांच नंबर सिक्स जो था वो ट्री में नहीं था ब्रांच नंबर थ्री आ जाएगा इधर और इधर क्या आ जाएगा ब्रांच नंबर फाइव तो ये हो गया मेरा कोट्री कोट्री में सच कुछ कंडीशन नहीं है कि उसमें लूप होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है इट डिपेंड्स टोटली ऑन ट्री ट्री में कुछ मैंडेटरी थिंग्स है क्या कि इसमें लूप नहीं होना चाहिए And one node should be connected to at least one another node over there. ओवर tree में कैसे होगा तो tree का जो complement है वो इधर code tree में आ जाएगा code tree के branches को क्या बोलते हैं tree के branches को बोला जाता है links या cord. तो अभी मैं फिर से इधर summarize कर रहा हूँ तो हम लोगों ने पहले देखा tree. Tree के branches को क्या बोला जाता है Twigs. और ट्विक्स जो हमेशा हम लोग को ग्राफ में दिखाने के है तो वो आपको सॉलिड लाइन से बनाने का है या आप बोल सकते हैं लाइन से बनाने का है तो ये मैं क्यों लिख रहा हूं इधर टी 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 ट्री को ब्रांचेस को बोलते ट्विक्स और दिख फॉर नोटेशन पर्पज वो यूज थिक लाइन दूसरा क्या है इसमें तो दूसरा था अपना को ट्री और कोट्री है तो उसके ब्रांचेस को क्या बोला जाता है तो उसके ब्रांचेस को बोला जाता है लिंक्स या कॉर्ड और ये जब भी आपको ग्राफ में दिखाने का है तो अभी आपको इसको डैश लाइन से दिखाने का है या डॉटेड लाइन से दिखाने का है तो so ये ध्यान में रखिए ट्री ट्विक सॉलिड लाइन थिक लाइन को ट्री लिंक्स कॉर्ड डैश और डॉटेड ट्री में कितने ट्विक्स रहते हैं तो ट्री में रहते हैं एन माइनस वन नंबर ऑफ ट्री टोटल ग्राफ में ग्राफ में कितने ब्रांचेस रहते हैं ग्राफ में टोटल ब्रांचेस को हम लोग डिनोट करते हैं बी से और आपके ट्री में कितने गए एन माइनस वन तो कोट्री में कितने ब्रांचेस बचे गए टोटल तो आपके पास बी है और ये सब ट्रैक कर दोगे so b minus n minus 1 that means b minus n plus 1 number of branches are there in co tree so in this lecture i have gone through the various terms like planar graph non planar graph subgraph connected graph disconnected graph rank of a graph then what do you mean by लू और सरकी देन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग ने देख लिया है ट्री ट्री का प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए एवरी नोट शुड बी कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अनदर नोट एंड देर शुड नॉट बी क्लोज लू ट्री के प्रॉपर्टीज हम लोग ने देख लिए है और कोटरी कोटरी मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्री, को ट्री मतलग, complement of tree, और उसके ब्रांचेस को बोला जाता है लिंक वाइफ ट्री के जो ब्रांचेस रहते हैं उसको बोला जाता है ट्री के थैंक यू